दोस्तों, सुपर ग्रैनी में आप सभी का स्वागत है। तो मैं हो गई हूँ रेडी। आज मैंने पिंक कलर का कुर्ता पहन लिया है और यहाँ पे आरव भी हो गया है रेडी और हम सब हो गए हैं रेडी। आरू भी रेडी करके नहला के रेडी करके मैंने लेटा दिया था, पर वो सो चुका है, यहाँ पे सो गया है। हम लोग कहीं जा रहे थे, मतलब हम कहीं जा रहे हैं अभी, यहीं घर के नज़दीकी है, अपने रिलेटिव में ही जा रहे हैं। मैं दिखाऊंगी हम कहाँ जा रहे हैं। तो हस्बैंड मेरे को छोड़ देंगे और आज हस्बैंड कर रहे हैं कुछ काम वहाँ। देखो, हेलो हेलो, सगा तो दिखा दो। तो वो देखो तो वो धो रहे हैं आज कपड़े, क्योंकि हमने सोचा आज हम चलते हैं, फिर इन्होंने बोला चलो तुम चले जाओ और मैं आज मशीन लगा लेता हूँ। तो आज वो काम कर रहे हैं, हमारी छुट्टी दे रखी है आज मेरी खासकर, और मम्मी तो आपको पता ही है डैडी के साथ जा रखे हैं। तो आज मेरे हस्बैंड ने बोला चलो तुम जाओ और मैं थोड़ा काम कर लेता हूँ, कपड़े कपड़े धो लेता हूँ। सुबह का सारा काम हो चुका है और नाश्ता हमने कर लिया है। अब हस्बैंड हमको छोड़ देंगे और फिर हम वहीं पर रहेंगे, तब मैं आपको मिलाऊँगी वहाँ पर सबसे, हम कहाँ जा रहे हैं। तो आज सब जगह की चादरें निकाली हैं, यहाँ मम्मी वाले कमरे की भी चादर निकाल दी है और ऐसे ही पंखा चला के रख देंगे हस्बैंड, क्योंकि बच्चे थोड़ा ऐसे ही कर देते हैं ना, इसीलिए। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अभी थोड़ी देर में। धूप हो रही है आज और आरू भी उठ गया है, हम भी निकल रहे हैं। तो 11:30 बजने वाले हैं, अब हम निकल रहे हैं। हेलो आरू। हेलो। और आरू यहाँ पे है, मैं दिखाती हूँ आपको। तो आरू यहाँ पे है। हेलो आरू, आरू हेलो। और आरव यहाँ है। चले फिर जब मैं वहाँ जाऊँ पहुँचूंगी तब मैं आपसे मिलूंगी यहाँ पे। तो मैं आ गई थी थोड़ी देर पहले, 15 मिनट मैं पहले, तो एकदम अच्छा नहीं लगता फ़ोन उठाना। तो अब मैंने उठा लिया है अपना कैमरा और मैं दिखाती हूँ मैं कहाँ आई हूँ। तो मैं यहाँ आई हूँ अन्य अव्य के यहाँ। अब मैं इनसे बोलती हूँ कि इनका ये अपना नाम बताएंगे। अच्छा, अपना नाम बताओ दोनों। क्या है आपका नाम? और आपका नाम? हाँ, तो इसका नाम है शरण्या और इसका नाम है क्या है? तो इन दोनों के घर आई हूँ, यानी कि मैं अपनी फूफू सास के आई हूँ, बुआ सास के यहाँ। और ये उनकी नातिन है और दूसरी है जो वो बोरी है, मैं अभी नहीं आऊँगी, थोड़ी देर बाद आऊँगी। तो यहाँ दोनों बैठी हैं मजे से और आरव को भी दिखाती हूँ कहाँ क्या कर रहा है। वो देखो कहाँ लेटा हुआ है। अच्छा, आप दोनों अपना डांस दिखाओगे आज? तो ये अपना डांस भी दिखाएंगे अभी थोड़ी देर में, मैं भी मिलूंगी थोड़ी देर में आपको। यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फ्लावर थे, तो मैंने सोचा आपके लिए एक क्लिप ले लूं। और आज मैंने बहुत ज़्यादा बनाई है नेचर की वीडियो, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था आज का मौसम। क्लाउड, आसमान, पेड़ बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। देखिए आप कितना अच्छा लग रहा है ऊपर। तो मज़े से खेल रहे हैं तीनों बच्चे, बच्चों को कितना मर्जी खिला लो वो बिल्कुल भी नहीं थकते हैं। और देखिए कैसे खेल रहे हैं तीनों जने। मेरे हस्बैंड भी आ गए थे दिन में और बुआ से बात कर रहे हैं। और राशि देखो कितने अच्छे से अपने भाई को हवा लगा रही है। और बहुत आरू आज सुबह से अपनी दीदी की गोदी में है। हेलो राशि। हेलो आरू, तो मेरी गोदी में आज सुबह से है ना आरू? हेलो। और आन्या हाय कर दो। हाय। बस आज लड़ाई चल रही है टीवी के लिए इन सब की। और देखो कितना अच्छा कर रहा था दीदी ने घर, और अब देखो क्या कर दिया है यहाँ पर। और देखो इस छतरी में बाहर के अंदर महल है जहाँ मॉन्स्टर रहते हैं। तो ये है मेरी बुआ सास। हेलो हेलो करो। हेलो, यहाँ पे आई हूँ मैं और बच्चे हैं यहाँ पे। हेलो हेलो कर दो। हेलो। तो मैंने आपको अपनी किसानी से, यानी कि मैंने अपनी दीदी से आपको ढंग से नहीं मिलाया, क्योंकि ये थोड़ा कैमरा शाय हैं, वो एकदम नहीं आए कैमरे के आगे, तो मुझे भी ठीक नहीं लगा उनको ऐसे एकदम दिखाना। तो मैं आपको इनसे बाद में मिलाऊंगी। ये कियो। हेलो कियो। ये है राशि का डॉगी, क्यूटी क्यूटी डॉगी। देखो देखो ये
कैसे सो रहा है इतनी देर से, देखो कैसे देख रहा है, सुंदर की हो। तो लौकी का मैंने यहाँ छिलक निकाल दिया है और इसको इस तरीके से गोल गोल काट दिया है। तेल गरम करके इस तरीके से हमें ये लौकी के पीसेस को फ्राई कर देना है। और एक प्याज मैंने काट दिया है और मसाला तैयार कर लिया है। दो टमाटर, दो हरी मिर्च और 4 से 5 लहसुन की कलियां और आधा चम्मच हल्दी पाउडर, बस ये मसाला तैयार कर लिया है तड़के के लिए मैंने। तो इस तरीके से हमें अच्छे से इसे फ्राई कर लेना है, काला नहीं करना है। जो मैंने लौकी के कट करे थे वो, तो लौकी मैंने अच्छे से फ्राई कर दी है, गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। उसके बाद भी इतना सारा तेल बच गया है, अब हम इस तेल को थोड़ा कम कर लेंगे। तो इतना तेल लेके मैं इसमें डाल देती हूँ प्याज और इसको अच्छे से हम भून लेंगे ब्राउन होने तक। उसके बाद ब्राउन हो गया है हमारा प्याज, उसके बाद हम ये जो मसाला बनाया था हम ये डाल देंगे इसमें और इसको हम अच्छे से भून लेंगे तरीके से। तो कसूरी मेथी मैंने ले ली है, अब मैं इसको इसमें डाल देती हूँ और इसको अच्छा से एक मिक्स दूँगी। हमारे मसाले ने तेल छोड़ दिया है, अब हम डालेंगे इसमें 2 चम्मच बेसन, हल्के हल्के से डालना है, थोड़ा थोड़ा डाल के फिर इसको चलाना है, फिर थोड़ा और डालना है। अब हम इसमें डालेंगे मसाला, मसाले में डालेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च, अगर आप खाते हो ना हो तो गरम मसाला, और डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार। तो अब हम डाल देंगे पानी, उसी में डाल दिया था मैंने मिक्सर में जिसमें मैंने वो मसाला पीसा था वही पानी। बेसन हमारा पक चुका है, अब हम डाल देंगे इसमें पानी, जितना आपको कितना आपको तरी चाहिए उस हिसाब से आप पानी डाल। तो ये आ गया है अच्छा सा उबाल हमारी सब्जी में, अब हम डाल देंगे इसमें गरम मसाला और इसको एक और उबाल देंगे थोड़ा सा और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम डाल देंगे ये लौकी को, तो सारी लौकी अंदर जा चुकी है फ्राइड, तो इसको मैंने डाल दिया है, अब मैं ढक के 5 मिनट अच्छे से पकाऊंगी इसको। तो ये हमारा बनके रेडी हो चुका है सब्जी। तो यहाँ हमारी सब्जी बनके तैयार है, तो सब्जी है लौकी की सब्जी, बहुत टेस्टी बनती है ये सब्जी और साथ में है रोटियाँ। इसे हम चावल के साथ भी ले सकते हैं, इसमें धनिया भी डाल सकते हैं, पर धनिया मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने स्किप कर दिया। 10 बज चुके हैं और मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है और अब सोने की बारी है। आरू को मैंने सुला दिया था खाना खाने से पहले ही, उसको नींद आ रही थी क्योंकि आज दिन में वो ढंग से नहीं सोया, अपनी दीदी और के साथ खेला, राशि और के साथ। तो आरव अभी सोया नहीं है, उसी को मैं सुलाने जा रही थी, तो मैंने सोचा मैं ब्लॉग का एंड कर देती हूँ। और जो आज मैंने सब्जी बनाई थी बहुत यम्मी बनी थी, आप लोग ज़रूर बनाइएगा। तो ये मैंने सेफ बाई हार्ट है चैनल यूट्यूब में, उनसे ही सीखा था मैंने, उनकी वीडियो देख के, और वही मैंने सब्जी बनाई है आज, बहुत टेस्टी बनी है, आप लोग ज़रूर अपने घर में ट्राई करिएगा। तो मैं अब अपने वेब ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, और अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए, लाइक करेंगे आप तभी हमें पता चलेगा कि हमारी वीडियो कैसी बन रही है। और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और अपना प्यार बनाए रखें, शेयर करें वीडियो को, कमेंट करें अच्छे अच्छे। और चलिए फिर मैं अपने ब्लॉग का अब यहीं एंड करती हूँ, बहुत लेट हो चुकी है, आरा को सुला देती हूँ और उसके बाद फिर मैंने एडिटिंग भी करनी है इसी वीडियो की, और सुबह मैं इस वीडियो को पोस्ट कर दूँगी। फिर ज़्यादा गैप रह जाता है, फिर इतना कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, अप टू डेट होना भी आजकल ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। चलिए फिर मैं रख देती हूँ कपड़े और आरव को सुला देती हूँ। गुड नाइट दोस्तों, आप लोग भी अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। फिर मैं रखती हूँ, मैं करती हूँ अब आपको बाय बाय। जय हिंद जय भारत।